और इस्लामी हुकूमत है, ये दोनों चीजें जो है, तो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के कंटेक्स में और दूसरे ममालिक के कंटेक्स में थोड़ा स्लोली रहे, यानी मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया ये जैसे दूसरी ममालिक में रहा उसकी बनिस्बत हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा स्लो रहा। यानी पहली सेंचुरी में मुसलमान हिंदुस्तान में आ गए थे, लेकिन दिल्ली तक आते आते उनको तकरीबन 500 साल लग गए। यही तकरीबन मामला जो है इस्लाम के साथ भी रहा, यानी सिंध के इलाके में तो थोड़ा बहुत इस्लाम फैल गया था और हिंदुस्तान में भी जगह जगह जो है वो इस्लाम फैल गया था। लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत कायम होने तक और अलाउद्दीन खिलजी का दौर आने तक भी जो सबसे बड़ी आबादी किसी शहर में मुसलमानों की हिंदुस्तान में थी वो 10,000-15,000 इस तरह की आबादियां वो थी। तो हिंदुस्तान में भी इस्लाम की तबलीग जो है वो बहुत ज्यादा स्लो रही दूसरे ममालिक के बनिस्बत। बल्कि अगर हिस्ट्री का हम थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस करें तो ये बात समझ में आती है कि अगर सूफिया इकराम की कोशिशें हिंदुस्तान में नहीं रहती तो शायद ये वैसे फैल भी नहीं पाता था जैसे कि वो इस वक्त हिंदुस्तान में फैला। अब इन कोशिशों को अगर हम थोड़ा सा तजिया करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसा मिडिल ईस्ट में इस्लाम फैला तो वहां पर बहुत ममालिक के ममालिक ने जो है पूरे इस्लाम कबूल किए, लेकिन हिंदुस्तान में वैसा नहीं रहा। यहाँ जो कुछ इस्लाम फैला वो जो कन्वर्जन हुआ या तबलीग इस्लाम हुई वो इंडिविजुअल एफर्ट्स की बुनियाद पर हुई। तो हिंदुस्तान में जो इस्लाम की तबलीग हुई उसकी कोशिशों को उसके एफर्ट्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो चार अलग अलग कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी उसके जो दाई है उसकी बुनियाद पर अगर हम उसका कैटेगरीज करें। यानी एक है रूलर्स, रूलर्स ने भी कुछ ना कुछ उसमें हिस्सा लिया। दूसरा उल्मा की कोशिश रही, तीसरा जो बिजनेसमैन रहे यानी ताजिर हजरात उनकी कोशिश है, और चौथा सूफिया की कोशिश। अगर हम रूलर्स देखेंगे तो हिंदुस्तान के रूलर्स की जो अक्सरियत रही तो उनको हिंदुस्तान को फतेह करने में उनकी ज्यादा दिलचस्पी रही, तबलीग इस्लाम या इशाअत इस्लाम उनकी तरजीहात में शामिल नहीं था। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ रूलर ऐसे थे जिनकी दिलचस्पी इशाअत इस्लाम में भी थी। जैसे हम देखते हैं बिल्कुल इब्तदाई जमाने में मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आए तो उन्होंने भी तबलीग इस्लाम की और इशाअत इस्लाम की कोशिशें की। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने में उन्होंने जो खुतूत यहाँ के बादशाहों को लिखे उस जमाने में भी काफी कन्वर्जन हुकूमत की तरफ से हुआ, इस्लामी हुकूमत का उसमें सपोर्ट दिखता है। बाद के जमाने में फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा बादशाह रहा, मोहम्मद तुगलक, इंशाल्लाह आगे की सीरीज में हम कवर करेंगे कि जिन्होंने काफी कुछ कोशिशें जो है दावत दीन के लिए की। सुल्तान महमूद और जहांगीर, इनकी भी कुछ ना कुछ कोशिश हमको नजर आती है। तो बहुत कम रूलर्स ऐसे नजर आते हैं जिन्होंने इस्लाम की इशाअत की शौरी कोशिश की, उसके अलावा बाकी जो थे उनका इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन था, लेकिन डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन जो है रूलर्स का बहुत ज्यादा नहीं रहा। दूसरी जो क्लास हमको नजर आती है वो उल्मा की क्लास है, और लेकिन उल्मा का जो रोल रहा इशाअत इस्लाम में वो इस्लाम के यानी जो दिल्ली सल्तनत थी या मुगलिया एम्पायर जो था उसके डाउनफॉल के जमाने से ज्यादा वो उरूज पे रहा, और वो भी रिएक्शनरी एफर्ट्स उसमें हम कह सकते हैं कि ज्यादा रहा। यानी जब हिंदुस्तान में क्रिश्चनरी मिशनरीज आई और आर्य समाज आई और ये उन्होंने लगा कि जो मुसलमान थे बाज शुद्धि के नतीजे में हिंदू मजहब इख्तियार करने लगे, और क्रिश्चियनिटी से जब उनका मुकाबला हुआ जब ब्रिटिश एम्पायर के जमाने में, तो उस जमाने में उलमा इकराम की काफी कोशिश हमको दावत दीन के हवाले से दिखाई देती है। इसी तरह जो बिजनेसमैन थे या ताजिर तबका था तो बिल्कुल इब्तदाई जमाने से साउथ इंडिया के अंदर गुजरात में उनकी कोशिशें इस्लाम को फैलाने में नजर आती है, क्योंकि बिजनेसमैन क्लास के जरिए जो इस्लाम फैला वो काफी पोलाइट और सॉफ्ट इस्लाम था, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन रहता, और जो मुस्लिम बिजनेसमैन थे चूंकि उस जमाने में हिंदुस्तान में समंदरी सफर को मायूब समझा जाता था तो इनको काफी इंडियन सोसाइटी के अंदर हिंदुस्तानी समाज के अंदर काफी अच्छे से पेनिट्रेट कर पाए। लेकिन इन सब क्लासेस में सबसे ज्यादा जिन लोगों ने इस्लाम को फैलाया तो वह सूफी सेंट, तो सूफियों की जो कोशिश रही वो सबसे ज्यादा कोशिश रही इस बरसगीर में इस्लाम को फैलाने के लिए। तो इंशाल्लाह अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो ये कोशिशें बराबर हुई। तो अब यहाँ पे हजारों सूफिया के नाम उसके अंदर मिलते हैं, लेकिन हम इसमें से कुछ अहम शख्सियात अहम सिलसिले के लोग हैं जिनका यहाँ पे तस्करा करेंगे। तो सबसे पहले शेख अली हुजेरी जो है 10072 में हिंदुस्तान के अंदर ही आए। ये बुनियादी तौर से गजनी से आए थे और लाहौर का जो इलाका है वहां पर इनकी जो दरगाह है वो भी लाहौर में वाक़ है। तो लाहौर के इलाके में इन्होंने काफी दावती काम किया। ये कहा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दावती काम को फैलाने में इनका बहुत ज्यादा की रोल जो है वो हिस्टोरियंस ने माना है। लाहौर जो है उस जमाने में वहां की एक बड़ी आबादी भी हिंदू थी और वहां का जो रूलर था वो भी हिंदू था, तो इनकी दावत और तबलीग के नतीजे में वहां का जो हिंदू रूलर था राय राजू उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये जो तब्दीली थी उससे पहले कभी भी रूलर्स ने काफी इस्लाम कबूल नहीं किया था, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज माना गया। शेख अली हुजेरी की बहुत मशहूर किताब है कशफुल महजूब जो है, ये तसव्वुफ की बहुत अहम किताब है,
पर्शियन जबान के अंदर इन्होंने ये किताब लिखी है। इसके बाद दूसरे जो सूफी थे शाह अब्दुल्ला, ये मालवा में आए खुरासान से हिजरत करके। अब इनके जमाने में जो हालात थे वो बड़े सख्त थे दावत के लिए, यानी उस जमाने ये थे कि महमूद गजनवी के मुस्तकिल हमले हिंदुस्तान पे हो रहे थे, तो यहाँ का हिंदू जो समाज था वो मुसलमानों को लेके काफी उसका निगेटिव अप्रोच था। तो ऐसा हुआ कि मालवा के करीब में मुसलमानों का एक काफिला गुजर रहा था, तो जब फजर की अजान के बाद जब वहां की हिंदू आबादी ने अजान सुनी तो उन्होंने उस काफिले पे अटैक कर दिया, जिसके नतीजे में कई मुसलमान जो है वो मारे गए। जब ये शाह अब्दुल्ला वहां पर दावत के लिए आए तो जमाने में राजा भोज दुआम जो है वो राजा था, तो वो उनसे काफी मुतासिर हुआ और उसने पूरी उनकी दावत को कबूल किया। उसके बाद उसके जितने वजीर थे, उसकी कैबिनेट थी, उन सब ने इस्लाम कबूल किया। नासिरुद्दीन महमूद जब बादशाह बना तो उसने उनकी कब्र जो है उसके मजार को काफी पुख्ता बनाया और एक बेहतरीन कसीदा जो है उसने वहां पे लिखवाया। तो वो कसीदा यह है कि मैंने सुना कि इनसे कुछ पहले चंद लोग इस पुराने दयार में आए, जब मौजन ने हलक से अजान की आवाज बुलंद की वो ऐसी मस्ताना आवाज थी जैसे सूर्य इसराफील, कुफार में हर तरफ शोर हो गया और आदमी तलवार लेकर हमलावर हुआ और आखिर इन मर्दों को कत्ल कर दिया और कत्ल करके कुएं में डाल दिया। आज भी इन शोदा की शहादतगाह उन नेक और पाक लोगों के निशान के बतौर मौजूद है। जब वक्त आया कि हकीकत का सूरत इस बलदाए बेहूर में जाहिर हो तो ये शेर मर्द इस्लाम के मरकज से पुराने बुतखाने में आया, उसने बुत व तमासिल को दरहम भरम कर दिया और बुराई के माबूद को इबादत खाना बना दिया। जब राजा भोज ने उसको फरासत की नजरों से देखा तो तमाम अहले दरबार के साथ मुसलमान हो गया, ये इलाका शरीयत के नूर से मुनव्वर हो गया और शर्म की और शिर्क की रसूख मालूम हो गई। तो ये इस तरह की इनकी दावती कोशिश रही। इसके अलावा जो दीगर सूफिया था जैसे शेख दत्तू खवेजगी 1155 में आए, ये मौदूद चिश्ती जिनके नाम पर मौ मौदूदी की खानदान जिनसे रिवायत होती है, ये उनके हाथ पर उन्होंने बैत किया था। इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर काफी दावती काम किया। अफगानिस्तान उस जमाने में अफगानिस्तान का बुद्ध मजहब जो है गालिब मजहब था, तो बड़े पैमाने पर अफगान कबाइल ने इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। सुल्तान सखी सरवर ये भी मौदूद चिश्ती के शागिर्द थे, इन्होंने पंजाब के अंदर इस्लाम फैलाया और काफी लोगों ने जो है पंजाब के इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया, लेकिन बाद इनकी वहां शदीद मुखालिफत हुई और उसी मुखालिफत में ये दावत देते हुए शहीद हो गए। सैयद जलाल आजम एक मशहूर सूफी गुजरे जिन्होंने उच्च पंजाब के अंदर दावती काम किया, तो वहां का जो राजा था देव सिंह वो उनके मुखालिफ हो गया, लेकिन ये हुआ कि उसकी बेटी जो है इनकी दावत से मुतासिर हो गए और बाद में राजा के जो काफी की लोग थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया, तो इनका काफी वहां पर यानी होल्ड बाद में कायम हो गया। इसी तरह शेख मोहम्मद तुर्क नौरोली जो इन्होंने नौरोल के इस इलाके में जो है इस्लाम का काम किया, लेकिन ये भी जो है दावत देते हुए मुखालिफत की बुनियाद पे शहीद हो गए। तो यहाँ यानी जो डेटा मैंने रखा उससे ये बात समझ में आती कि ऐसा नहीं था कि दावत का काम बहुत आसान था, उस जमाने में भी काफी सूफिया जो है दावत देते हुए उनको शहीद कर दिया गया। इसी तरह कमालुद्दीन चिश्ती थे, इन्होंने धार के अंदर इस्लाम फैलाया, राजा इनकी दावत से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। शेख हमीद नागौरी ने नागौर के अंदर इस्लाम फैलाया, शेख बहाउद्दीन जकरिया ने मुल्तान और सिंध के अंदर इस्लाम फैलाया। इसी तरह शेख फरीद शकरगंज जो थे तो उन्होंने पंजाब के कई कबाइल के अंदर तकरीबन 9 जो ट्राइब्स थे जो कबाइल थे उन्होंने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। इसी तरह शेख जलालुद्दीन ने सलट के अंदर, बुलबुल शाह जो थे इन्होंने कश्मीर के अंदर बहुत दावती काम किया और कश्मीर का जो राजा था उसने इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। सैयद बंदा नवाज ने गुलबर्गा के अंदर, तो ये जो मुख्तलिफ सूफिया थे जिनके मैंने मुख्तसर में नाम गुनाए, इनकी जिंदगी काफी तवील है, काफी किताबें और रिसर्च इनके ऊपर हुई, तो इन्होंने बड़े इलाके में जो है तबलीग की इस्लाम की और काफी जो की लोग थे जो राजा थे, यानी आमतौर से तस्वीर है कि सिर्फ लो कास्ट के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तो ऐसा नहीं था बल्कि काफी राजाओं ने भी इनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। लेकिन हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा दावत का काम हिंदुस्तान में जिस सिलसिले ने किया वो चिश्तिया सिलसिले है ना, और उस सिलसिले के जो सबसे बड़े बुजुर्ग है वो मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिनको हम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से उम्मीद तौर से जानते हैं। तो यहाँ हम जो हमारे माशरे में उनका एक इमेज है और दरगाह परस्ती उससे हटकर उनका जो एक्चुअल कोशिश है उस पर हम फोकस करेंगे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी हम देखते हैं तो ये सीस्तान से हिजरत करके हिंदुस्तान के अंदर आए थे 13वीं सदी के अंदर, और मशहूर जो हमारे यहाँ तसव्वुफ के अलग अलग सिलसिले हैं उसमें चिश्तिया जो सिलसिला है उसको इन्होंने हिंदुस्तान में स्टेबल किया और उसको पूरे बरेसगीर का यानी उस मेडिवल पीरियड में हम देखते हैं कि बरेसगीर का सबसे डोमिनेंट जो यानी सिलसिला था तसव्वुफ का वो चिश्तिया सिलसिला इन्होंने बना दिया था। कुछ अरसे तक वो अजमेर में दिल्ली में रहे, लेकिन दिल्ली में चूंकि हुकूमतें थी और चिश्तिया सिलसिले का बहुत शुरू से ये रहा कि वो हुकूमतों से हमेशा अलायदगी उन्होंने सियासत से हुक्मरानों से अलायदगी वो पसंद करते रहे, उनसे एक सेफ डिस्टेंस वो मेंटेन करते रहे,
तो उसकी वजह से वो अजमेर शिफ्ट हो गए। अजमेर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने पहला काम ये किया कि उस जमाने की जितनी लोकल लैंग्वेजेस थी वो लोकल लैंग्वेजेस उन्होंने सीखी। यानी उनको ये बहुत पहले रियलाइज हुआ था कि अगर यहाँ हम दावत तो तबलीग का काम करना चाहते हैं तो उसके लिए लोकल लैंग्वेजेस का सीखना जरूरी है। तो उन्होंने अजमेर जाने के बाद वहाँ लोकल लैंग्वेजेस सीखी और उन मकामी जबानों के अंदर दावती काम शुरू किया। अजमेर में जो है कई फैमिलीज ने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया, कई राजपूतों के बड़े बड़े कबाइल जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। बीकानेर के जो रूलर थे यानी बीरबल और गुड्डू बल, दो भाई थे वो, तो दोनों ने जो रूलर्स थे उन्होंने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। यानी आर्नल्ड ने, जो थॉमस आर्नल्ड ने अपनी किताब प्रीचिंग ऑफ इस्लाम में लिखा है कि ख्वाजा अजमेर में आए जहाँ का राजा हिंदू था और मुल्क में हर तरफ बुतप्रस्ती फैली हुई थी। यहाँ पहुंचने के बाद जिस बंदे को आपने, जिस हिंदू को सबसे पहले मुसलमान किया और राजा का जोगी गुरु था, रफ्तार रफ्तार उसके मुरीदों की एक जमात आपके पास जमा हो गई जिन्होंने आपकी तालीम और तलकीन से बुतप्रस्ती छोड़कर इस्लाम इख्तियार कर लिया। आपकी शोहरत सुनकर जब आप अजमेर जाते हुए दहली के दहल के मकाम पर ठहरे तो वहां आपके हाथ पर 700 हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया था। तो इस तरह अजमेर का जितना इलाका था उस इलाके में इस्लाम की काफी इन्होंने तबलीग की है। मैंने सरोल औलिया के अंदर लिखा है कि इनकी दूसरी करामत यह है कि आपके आने से पहले पूरे हिंदुस्तान में कुफ्र बुतप्रस्ती का राज था और हिंद का हर एक सरकश अना रब्बुकुम आला का दावा करता था और अपने आप को अल्लाह ताला का शरीक समझता था। वो सब पत्थर डेले दरख चौपाए गाय और उसके गोबर को सजदा किया करते थे और कुफ्र की तारीकी से उनके दिलों को ताले और मजबूत हो रहे थे। ख्वाजा के हिंदुस्तान आने का असर यह हुआ कि एक कुफ्र शिर की जगह अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। उसकी तलवार से सलेब और कलेसे की जगह दारे कुफ्र के दरवाजे मस्जिद और मेहराब बन गए जहां मुशरिक लोग फरियाद फुगा करते थे, अब अल्लाह अकबर के नारे हैं। तो इस तरह ख्वाजा ने अजमेर के करीब का जो इलाका था वहां पर बहुत ज्यादा इस्लाम की तबलीग की और एक बड़ी तादाद जो है बदगान खुदा की आपसे फैजियाब हुई और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो बहुत ज्यादा मशहूर है। यानी जितने सोशल अलग अलग हमारे यहाँ क्लासेस है, जितने मजाहब है, वो सबके सब अपने अकीदत के इजहार उस दरगाह से करते हैं। आपके जो स्टूडेंट है उसमें मशहूर बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, इसके अलावा हजारों स्टूडेंट रहे लेकिन ये उनके फेमस स्टूडेंट रहे। चिश्तिया सिलसिले का जैसे मैंने बताया कि हमेशा से ये रहा कि वो लोगों ने रूलर से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन किए। यानी उनका ये मानना था कि ये जो सियासत और हुक्मरान है तो ये इससे सूफिया ने और औलिया ने दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए तो इस बात का इम्कान है कि उनका तस्किया जो है वो मुतासिर हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद बहुत हैरत की बात है कि जितने चिश्तिया सिलसिले के बुजुर्ग रहे उन्होंने हुक्मरानों से हमेशा फासला रखा, लेकिन इनके जो मकाबीर है या इनकी जो दरगाह है वहां पे हर जमाने में जितने भी रूलर रहे, यानी आप अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात हम ले ले तो चाहे तुगलक हो, अल्तमश हो, अकबर हो, यानी अकबर जैसा आदमी 17 मरतबा अपने जमाने में उसने उनकी दरगाह की ज्यारत की। शाहजहां को जब लड़का नहीं हो रहा था एक तवील अरसे तक तो एक साल तक जो है अजमेर में कायम किया। तो जितने बड़े रूलर रहे, दिल्ली के सलातीन रहे, वो सबके सब दरगाह पर हाजिरी देते रहे। इनके बाद आपने क्या किया कि बख्तियार काकी जो है उनके खलीफा यानी स्पिरिचुअल सक्सेसर उन्होंने उनको बनाकर गए अपने बाद। चिश्तिया सिलसिले की दावत को फिर बख्तियार काकी अल्लाह रहमान ने जो है वो कंटिन्यू किया। इससे पहले जो था चिश्तिया सिलसिले का काम मोस्टली अजमेर और नागौर के इलाके में था। उन्होंने ये किया कि उसको दिल्ली में लेकर आए और दिल्ली में काफी उसको फैलाया और जो हिंदुस्तान में जो तसव्वुफ है उस पर बख्तियार काकी अल्लाह रहमान का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस पाया जाता है उनको पर। तो उन्होंने जो यानी इनका जो तसव्वुफ का मॉडल था उसमें खिदमत खल्क को बहुत ज्यादा अहमियत थी। यानी खर्चा करना, चैरिटी करना, लोगों के गम, उनकी मोहब्बत, हमदर्दी, ये सारी चीजें इनके मॉडल में प्राइमरी फोकस थी। तो उन्होंने उस मॉडल को और ज्यादा इवॉल्व किया और ज्यादा उसको फैलाया और उन्होंने ये किया कि पूरा इसको एक तहरीक बना दिया। यानी इससे पहले वो एक तहरीक नहीं था बल्कि उन्होंने उसको एक तहरीक की शक्ल दे दिया। यानी तसव्वुफ और खिदमत खल्क, ये दोनों चीजें मिलाकर पूरे हिंदुस्तान में एक मूवमेंट जो है चिश्तिया सिलसिले ने शुरू कर दिया। लेकिन इनकी पॉलिसी भी उनकी अपने मुर्शिद की तरह थी, इन्होंने भी जो है गवर्नमेंट से हमेशा डिस्टेंस रखा। कुतुब मीनार के ताल्लुक से एक आ जाता है कि इसमें थोड़ा इख्तलाफ है। बाज लोग कहते हैं कि ये बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या कुतुबुद्दीन ऐबक, दोनों में से किसी एक की तरफ है। असल मामला यह है कि कुतुब मीनार बनना ऐबक के दौर में शुरू हुआ था लेकिन उसकी जो तामीर हुई और पहला जो उसका मरहला मुकम्मल हुआ था वो अल्तमश के जमाने में हुआ। तो ऐबक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक वो अल्तमश का आका था। उसके बिल मुकाबिल जो है उसने बैत जो है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथ पर किया हुआ था। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें इख्तलाफ है लेकिन ज्यादा मुरखिन का मानना ये कि उसने अपने मुर्शिद के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम जो है रखा था। उनके सबसे जो फेमस डिसाइपल रहे और जिसके जिनको उन्होंने अपने बाद खलीफा बनाया था वो थे फरीद शकरगंज,
जिन्होंने भी हिंदुस्तान में काफी दावत और तबलीग का काम किया था। फरीद शकरगंज ने ये किया कि अपने बाद निजामुद्दीन औलिया को अपना खलीफा बना कर गए। निजामुद्दीन औलिया का हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे चिश्तिया दावती सिलसिले का जो क्लाइमेक्स है, इन्हें तसव्वुफ के सिलसिले का जो क्लाइमेक्स है, वो निजामुद्दीन औलिया की शख्सियत को कहा जाता है। यानी इनके जमाने में जो है हिंदुस्तान बिल्कुल ही अपने एक आइडियल शक्ल से गुजरा था। इनको महबूब इलाही कहा जाता है, यानी ये अल्लाह ताला के जो महबूब थे, अल्लाह ताला इनको अपना महबूब बनाया था। और ये क्लाइमेक्स रहे चिश्तिया सिलसिले की। तो इनकी कामों को समझने से पहले एक मैं थोड़ा सा उस वक्त के हिंदुस्तान का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगा, बल्कि हिंदुस्तान का नहीं, एक मुस्लिम दुनिया का मुख्तसर सा बैकग्राउंड देखेंगे। उस जमाने में यानी दिल्ली सल्तनत के कयाम के वक्त ही मंगोल का भी उरूज था। यानी जिस वक्त दिल्ली सल्तनत कयाम अमल में आ रहा था, वही उरूज का जमाना मंगोल का भी रहा। मंगोल ने हिंदुकश पहाड़ के उस तरफ की जो पूरी मुस्लिम दुनिया थी, या इस्लामी दुनिया आप उसको कह लीजिए, उसको मुकम्मल तौर से बर्बाद कर दिया था। यानी ये डिस्ट्रक्शन सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था कि सिर्फ पॉलिटिकल एम्पायर या खिलाफत जो है खत्म हो गई, बल्कि ये सामाजिक, कल्चर, फाइनेंस या जितने इंस्टीट्यूट मुसलमानों के हो सकते थे, मस्जिद, खानकाहें, मदरसे, यूनिवर्सिटी, हर चीज जो है मुकम्मल तौर से वो बर्बाद हो गई थी। यानी एक आग और खून का दरिया था, या ये कहिए कि खून का गुसल था, जो इन्होंने उम्मत मुस्लिमों को दे दिया था। और पूरी मुस्लिम दुनिया पर मायूसी की कैफियत छा गई थी। यानी जितने उनके इस्लाम के आने के बाद से ये सबसे सख्त तरीन मरहला जो है उम्मत मुस्लिमों की तारीख पे रहा था, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि तब से अब तक का सबसे सख्त तरीन मरहला जो है वो ये रहा था, मंगोल का हमला। यानी आप देखिए कि सादी के जो मर्सी है, उन मर्सियों में इसकी यानी इसका दर्द जो है वो दिखाई देता है। यानी एक मर्सी में सादी कहते हैं, वो फारसी में मैंने उसको उर्दू तर्जुमा लिखा है कि आसमां हक बजानी होगा अगर अमीरुल मोमिनीन मुस्तसिम के मुल्क के जवाल पर खून बरसाए। मोहम्मद, अगर कयामत के दिन आप खाक से बाहर निकलेंगे तो सर बाहर निकालिए, देखिए कयामत आ चुकी है। यानी सादी के जो मर्सिये थे, उन मर्सियों में उन्होंने पूरी जो बगदाद की खिलाफत जो खत्म हुई और मुस्लिम ममालिक की सूरत हाल थी, उसको पूरा उन्होंने बयान किया है। उस जमाने में बुखारा जो था वो नॉलेज का, हिकमत का, उलूम का, फनून का मरकज हुआ करता था। और चंगेज ने जो है बुखारा को भी पूरी तरीके से उसको यानी जामा मस्जिद के अलावा वहां के हर मस्जिद उन्होंने जलाकर खाक कर दी, जो मुसलमानों के घर जो है नजर आतिश कर दिए, और एक खून की होली जो है वहां पर चंगेज ने खेली थी। तो जब बुखारा तबाह बर्बाद हो गया, जो मुसलमानों का इल्म और फन का मरकज था, उसी जमाने में अल्तमश, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए यानी एक पॉजिटिव चीज थी कि दिल्ली का सल्तनत का कायम अमल में आ रहा था। यानी पूरी मुस्लिम दुनिया को उस वक्त अगर कोई सर छुपाने की जगह थी तो वो दिल्ली की सल्तनत थी, जिसको अल्तमश ने आबाद किया था। अब चूंकि अल्तमश का जो ताल्लुक था वो भी बगदाद से था, और वो बगदाद की खानकाहों से, वहां के सूफिया से, वहां के उलमा के बहुत ज्यादा करीब रहा था, तो उसने दिल्ली की तामीर में वो सारे चीजों का, यानी दिल्ली को बनाने में वो सारे कल्चरल एस्पेक्ट का भी उसने ख्याल रखा था जो बगदाद में पाए जाते थे। तो यह हुआ कि पूरी मुस्लिम दुनिया के जो स्कॉलर्स थे, उलमा थे, सूफिया थे, साइंसदान थे, इंजीनियर्स थे, आवाम थी, वो सबके सब जो है शायर थे, वो सब जो है दिल्ली में आ गए। यानी जो असामी ने लिखा है कि इस शहर दिल्ली में एक रौनक आ गई। सच तो यह है कि हर नई चीज में एक लुत्फ होता है। बहुत से सैयद नसब, सैयद अरब वहां से आकर आबाद हुए। खिरासा के बहुत से अहले हरफा और चीन के नक्शबंद यहाँ आ गए। बुखारा के बहुत से आलिम और दीगर ममालिक के जायद और आबिद इधर आए। यूनान के हकीम, रूम के तबीब, गज, हर जगह के अहले दानिश यहाँ आकर आबाद हो गए। दिल्ली के मुबारक शहर में ये इस तरह जमे हुए जैसे परवाना शमा के गिर्द। यानी पूरी मुस्लिम दुनिया से जो लोग आकर जो है वो दिल्ली में बस गए, और दिल्ली उस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के एक मरकजी शहर की हैसियत जो है उसको हासिल हो गई। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा है कि दिल्ली में उस जमाने में जो उलमा थे तो वो इमाम गजाली और इमाम राजी की वजाहत के उलमा जो है दिल्ली में पाए जाते थे। तो उसी जमाने में बुखारा से शेख के नाना और दादा दोनों भी जो है वो दिल्ली दोनों ने हिजरत करके आए, और उसके बाद वो बदायूं में शिफ्ट हो गए, वहां पे सेटल हो गए। अगर उस जमाने के सूफिया जो सिलसिले थे, तीन तसव्वुफ के सिलसिले हिंदुस्तान में चल रहे थे। एक मशहूर सिलसिला जो था वो फिरदौसिया था, जो बिहार के अंदर चल रहा था। दूसरा सहरवर्दिया सिलसिला था, जो पंजाब और सिंध के अंदर था। और तीसरा चिश्तिया सिलसिला था, जो बंगाल, मालवा, दक्कन और गुजरात के अंदर चल रहा था। सहरवर्दिया सिलसिले का अप्रोच थोड़ा सा अलग था। वो लोग ये मानते थे कि हमने दरबार से वाबिस्ता होना चाहिए, बादशाहों से ताल्लुकात रखने चाहिए, ताकि हम किसी न किसी दर्जे में बादशाहों को भी नसीहत और तलगीन करते रहे। उसके बिल मुकाबिल में चिश्तिया सिलसिले का बिल्कुल ही दूसरा मौकिफ था। तो ये तीन मशहूर सिलसिले जो हिंदुस्तान में चल रहे थे। सिर्फ दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे थी और 2000 के करीब खानकाहें उस जमाने के अंदर मौजूद थी अलग अलग सिलसिलों की। तो ये वो माहौल था जिसमें निजामुद्दीन औलिया ने अपना काम
शुरू किया। उन्होंने बदायूं में अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। लेकिन दिल्ली शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ा, यानी खुद उनकी वालदा और उनकी बहन उनके साथ रहते थे, तो कई मरतबा ऐसा होता था कि वो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहता था और वो मेहमान खुदा जो है अपने आप को कहते थे, और ये मामला कई साल तक ये चलता रहा। उसके बाद जब दिल्ली के उलमा में आपका उठना बैठना हुआ तो दिल्ली के उलमा काफी आपसे मुतासिर हुए, लेकिन यह हुआ कि उस जमाने में लोगों ने ये डिबेट, यानी जब ये इल्मी मजलिसों में जाते हैं वहां गुफ्तगू करते हैं तो ये होता कि इल्मी गुफ्तगू में सबके ऊपर छा जाते थे, लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ कि ये बहस मुबाहसा, ये इल्मी गुफ्तगू, इससे कोई तामीरी काम होने वाला नहीं है, तो बहुत जल्द ये उससे बेदखल हो गए और उसके बाद उन्होंने अपना रुख तसव्वुफ के सिलसिलों के ऊपर किया। यानी आप देखिए कि उनकी जिंदगी में तकरीबन 50 साल ऐसे रहे जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर से तबलीग इस्लाम की, यानी 50 ईयर्स की उनकी जिंदगी रही। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था चिश्तिया सिलसिले का, तो उनका यह था कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए से खुदा को पाया जा सकता है, यानी खुदा, यानी तसव्वुफ के सिलसिलों का यह था कि खुदा की मारिफत हासिल हो जाए। ये मारिफत कैसे हासिल होंगी, तो ये खुदा की मोहब्बत से हासिल होंगी, है ना। और ये मोहब्बत कैसे मिलेंगी खुदा की, ये मोहब्बत मिलेंगी खलके खुदा से, यानी जितनी हम इंसानों की खिदमत करेंगे उतने हम खुदा के करीब होते जाएंगे। तो इस बुनियाद पर, यानी इस तालीम को 50 साल तक जो है वो शेख आम करते रहे। अब देखिए कि जो शेख का रिलीजियस टॉलरेंस था उस पर काफी लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया है। यानी एक बार तो वो अपनी खानकाह के छत पर जो है टहल रहे थे, तो आपने देखा कि एक हिंदू जमुना नदी के किनारे वो किसी बुत की पूजा कर रहा था, तो जो बात उन्होंने कही कि हर कौम का एक दीन और एक किबलागाह होता है, इन्होंने उसको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में लिया है कि हर कौम जो है वो कुछ ना कुछ इबादतें करते रहती है और उसका एक ना एक रिलीजन रहता है जिसको फॉलो करती है। यानी एक ऐसे जमाने में जबकि मुसलमान सुपर पावर्स थे, यानी दिल्ली में उनकी मजबूत सल्तनत कायम की थी, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा दीन का दाई था या सबसे बड़ा सूफी था या आलिम आप उसको कह लीजिए, उसके अंदर जो है इतना रिलीजियस टॉलरेंस था, यानी इस तरह वो दूसरे मजाहब को देखता था, तो ये जो सूफिया का टॉलरेंस लेवल था ये बहुत ज्यादा था। यानी जो भाईचारगी, दूसरों के मजाहब को समझना, उसकी इज्जत करना, उसकी कदर करना, तो ये बेसिक जो चिश्तिया सिलसिले का जो स्कूल ऑफ थॉट था वो इसके गिर्द ही घूमता था। निजामुद्दीन औलिया की फास्टिंग हैबिट जो है उस पर दीनी एतबार से बाद लोग एतराज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको समझे तो उनका मामला ये था कि वो एक ही सहरी से दो दो तीन तीन रोजे रखते थे। जब उनका खादिम, यानी उनके खानकाह में जो उनके मुरीद थे, वो उनसे कहते थे कि शेख अगर आप इस तरह खाना नहीं खाएंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, तो वो जो बात कहा करते थे कि मैं देखता हूँ कि खल्के खुदा भूखी है, कई लोग ऐसे हैं जो जिनको खाना मैसर नहीं हो, उस सूरत में मैं कैसे खा सकता हूँ, यानी मेरे हलक के नीचे निवाला कैसे उतरेगा। शेख की जिंदगी में एक्सटेंसिव डोनेशन, यानी जितने जो दिल्ली के सुल्तान रहे या सलातीन रहे उसमें अक्सरियत जो है वो शेख के मोतकिद रहे, तो शेख के पास जो है खूब यानी माल दौलत जो है आता था, लेकिन मामला यह रहता था कि शेख उसको उसी वक्त जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यानी आप देखिए कि उस जमाने की जो बहुत सारी खवातीन थी जो प्रोस्टिट्यूट थी, तो शेख को उनका काफी दर्द था, तो शेख यह करते थे कि उन खवातीन को तौबा करवाते थे और उनके अखराजात जो है वो खुद से पूरा करते थे और मंथली जो है उनको वजायफ दिया करते थे। इसी तरह उस जमाने में गुलामी का भी रिवाज था, तो सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनको शेख ने जो है लोगों को कन्विंस कराकर उनको मदद करके जो है उनको गुलामी से आजाद कराया। यानी आप देखिए कि जलाउद्दीन खिलजी के जमाने में हो रहे, खिलजी एक ऐसा बादशाह था कि जिसने उलमा की कभी कदर नहीं की, है ना, और ना ही वो सूफिया की बहुत ज्यादा कदर करता था। उसका मानना था कि इनका काम दीन तबलीग वगैरह है, इन्होंने ये करते रहना चाहिए, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी की, एक ही दीन के आलिम दीन की इज्जत की, एक ही सूफी की इज्जत की थी, और वो थे शेख निजामुद्दीन औलिया। लेकिन चिश्तिया सिलसिले का जो अप्रोच था उन्होंने कभी भी उसको घास नहीं डाली। यानी अलाउद्दीन जो है पहली मरतबा अलाउद्दीन को जब लोगों ने शेख के खिलाफ बहकाया कि देखो ये यहाँ पर आ गए और इनका एक बड़ा सियासी एक बड़ा एम्पायर जो है वो धीरे धीरे कायम हो रहा है, लाखों लोग इनके मुरीद हो गए, तो हो सकता है कि ये हमारे हुकूमत के लिए आगे खतरा बन सकते हैं, तो अलाउद्दीन ने ये किया कि एक खत जो है उनके पास भेजा और कहा कि एक सियासी मामले में आपका मशवरा दरकार है। तो शेख ने वो खत खोले बिना जो खत वापस कर दिया और कहा कि ये मैं जो हूँ मेरा काम दीन और उसके मामला को देखना है, मैं जो है खिदमत खल का काम करता हूँ, सियासी मामला से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो ये खत आप वापस ले जाए और अगर आपको मेरा यहाँ रहना नागवार है तो मैं वापस चला जाता हूँ। तो अलाउद्दीन उससे काफी मुतासिर हुआ, यानी उसका मानना यह था कि उस जमाने के जो उलमा थे वो काफी दौलत के लालची वगैरह इस तरह हुआ करते थे, बाद जो लोग उसने देखा था, तो उसका शेख के यानी शेख की निस्बत भी उसका यही तस्वुर था। लेकिन जब इस तरह का शेख ने जवाब दिया तो काफी इंप्रेस हुआ और उसके बाद उसने ये किया कि शेख से मिलने के लिए दरखास्त की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो शेख ने उसकी दरखास्त को रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने कुछ माल जो है शेख को भिजवाया, शेख ने वो भी वापस कर दिया। फिर उसने कहा कि ठीक है मैं जो है अचानक जाकर मिल लेता हूँ, तो
तो शेख ने उसको कहा कि देखो मेरे खानकाह में दो दरवाजे, अगर तुम एक दरवाजे से आओगे तो मैं दूसरे से चला जाऊंगा। तो उसने ये किया कि एक दिन अचानक जो है वो चला गया। लेकिन अमीर खुसरो जो शेख के शागिर्द भी थे और दरबार से वाबिस्ता भी थे, तो उन्होंने शेख को बता दिया कि खिलजी जो है आपसे मिलने के लिए आ रहा है। तो शेख जो है वहां से चले गए। बाद में जब अलाउद्दीन खुसरो पे नाराज हुआ कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि अगर मैं आपसे नाराज होता तो मेरी दुनिया खराब हो जाती, लेकिन शेख से शेख अगर नाराज हो जाते तो मेरी आखिरत खराब होने का, यानी मेरे मुर्शिद की नाराजगी का इम्कान था, इसलिए मैंने उनको बता दिया। तो अलाउद्दीन काफी कोशिश करता रहा कि शेख उससे मुलाकात करे, लेकिन शेख ने कभी भी जो है उससे मुलाकात नहीं की। उसके बाद जो है मुबारक खिलजी बना। मुबारक खिलजी जो है शेख के बारे में बहुत निगेटिव अप्रोच रखता था, दरबार में उनको गालियां देता था, उनके खिलाफ साजिशें करता था और उनको हर जगह जलील करने की कोशिश करता था, लेकिन शेख ने उसका भी कभी जवाब नहीं दिया। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक हुआ, वो भी उनके मुखालिफ था, लेकिन उन्होंने भी कभी उसका जवाब नहीं दिया। तो ये जो निजामुद्दीन औलिया का मामला था, उन्होंने दिल्ली की एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि उनका काम यह था कि जो खल्क है यानी जो अवाम है वो उनकी तस्किया, उनकी तथीर, उनको तालीम और वाज नसीहत किया करते थे। खलीका निजामी ने बड़ी प्यारी बात इसमें लिखी है कि इस मुद्दत में दिल्ली की सियासत ने कितने ही रुख बदले, लेकिन कोई सियासी हंगामा या इक्तदार की तब्दीली शेख को अपने गोशे आफियत से बाहर ना ला सके। खिजर खान उनका मुरीद था, लेकिन शेख ने उसकी तख्त नशीन में जरा बराबर किसी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। मुबारक खिलजी ने उनको खुल्लम खुल्ला बुरा कहा, लेकिन उनकी जबान पर कोई हर्फी शिकायत नहीं आया और उन्होंने दरबारी दुनिया की तरफ कभी तवज्जो नहीं की। उनके जमाने में दिल्ली के कई शहर आबाद हुए। अल्तमश की दिल्ली तो इबारत थी हौज़ शमसी और कुतुब मीनार से। दिल्ली की पूरी सकाफती जिंदगी हौज़ शमसी के किनारे देखी जा सकती थी। फिर कैकबाद ने एक नया शहर आबाद किया और ऐसे बागात लगवाए कि बकौल तारीख बहामत खानी मिस्र और बगदाद के बागों को शर्म आ जाए। ये इलाका शेख के जमात खाने के करीब था और उम्र हुकाम की वजह से यहाँ बड़ी हुमा हुमी रहती थी, और शेख बाज अवकात ये सोचते थे कि कहीं और मुंतकिल हो जाए ताकि उनके अवकात में खलल ना पड़े। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सहरी आबाद किया, तुगलक सलातीन ने दिल्ली की तौसी में गैरमामूली दिलचस्पी गुजार किया, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक आबाद की बुनियाद रखी। हर नए बादशाह के साथ दिल्ली का मरकज सकल तब्दील हो जाता था, मगर कोई भी तब्दीली शेख के जमात खाने के मरकज हैसियत पर असरअंदाज ना हो सके। आप देखिए पूरा जो 50 साल का अरसा रहा जिसमें 3 रॉयल डायनेस्टीज और 9 रूलर्स जो है वो पास आउट हो गए, लेकिन शेख ने किसी को भी मुंह नहीं लगाया या उनसे किसी दर्जे का कोई ताल्लुक उन्होंने नहीं रखा, और लाखों बंदगा ने खुदा का जो है आपसे ताल्लुक रहा। इसीलिए आपके जो शागिर्द थे अमीर खुसरो, वो आपके बारे में कहते हैं कि फारसी का शेर है, उसका उर्दू तर्जुमा है कि ख्वाजा का वजूद पानी और मिट्टी से नहीं बना बल्कि खजर और मसीह की जान मिलाकर बनाया गया। यानी उनकी दो सिफात का यहाँ पर इजहार किया गया। यानी आप देखिए कि खिजर इस बात की अलामत है कि वो भटकों को रास्ता दिखाते, और मसीह इस बात का यानी सिंबॉलिक है, मसीह इस बात का है कि वो मुर्दा लोगों को फिर से नई जिंदगी अता करते। यानी शेख का मामला ये था कि वो लोग जो राह से गुमराह हो गए, तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग थे जो गुनाहों में पड़े हुए थे, लेकिन शेख के हाथ पर तोबा करके उन्होंने एक नई जिंदगी गुजारी। यानी कितने ही बादशाह थे, कितने ही वजीर थे जो शराब के आदि थे, शतरंज की कई बुराइयों के आदि थे, लेकिन शेख के हाथ पर तोबा करने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह वो लोग जो जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो गए थे और इस बात का इम्कान नहीं था कि कोई नई जिंदगी उनको मैसर आएंगी, तो मसीह की तरह उन्होंने उसमें जान यानी उनके अंदर जान डाल दी, उनको एक नई जिंदगी अता कर दी। यानी इकबाल तो बहुत आगे चले गए कि तेरे लहद की ज़ियारत है जिंदगी दिल की, मसीह वो खिज़्र से ऊंचा मकाम है तेरा। तो ये शेख की जिंदगी थी। तो ये तसव्वुफ के जो चिश्तिया सिलसिले का मैंने कोर यहाँ पे कवर किया कि जिसने हिंदुस्तान में तबलीग इस्लाम की और जिसमें लाखों लोगों को इन्होंने मुतासिर किया। तो हम देखते हैं कि क्या वजूहत रही कि उस जमाने में इशात इस्लाम हुई यानी तबलीग इस्लाम, क्योंकि बादशाह तो बहुत कम तादाद में थे, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त उस जमाने में जो मुसलमानों की आबादी थी वो 9 से 11% तक या 9 से 11% तक हो गई थी। तो इतनी बड़ी तादाद में यानी बाज इलाके जैसे हम देखते लाहौर, पंजाब, मुल्तान, सिंध, वो जो इलाके थे उसमें बड़े पैमाने पर जो है पूरा बेल्ट जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया था। तो उसकी वजूहत क्या रही? तो उसकी वजूहत में हम देखते हैं कि सबसे पहले कि हिंदुस्तान यानी उस जमाने का जो हिंदुस्तान था वो कैसा था, तो उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यानी एक वजह ये थी कि दिल्ली की जो सल्तनत थी वो एक मजबूत सल्तनत थी, तो उस मजबूत सल्तनत की वजह से जो सूफिया थे, जो उलमा थे, उनको एक सेफ्टी मैसर आ गई थी, और उस सेफ्टी की वजह से वो पूरे मुल्क में कहीं भी घूम सकते थे, कहीं भी घूमकर तबलीग और दावत का काम कर सकते थे। तो हुकूमत की वजह से मुस्लिम उलमा और सूफिया जो थे तो उनको एक दर्जे का तहफ्फुज़ हासिल हो गया था और वो आसानी के साथ जो है दावत और तबलीग का काम कर सकते थे। तो ये जो बात कही जाती है कि मुस्लिम रूलर्स का बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा इस्लाम की तबलीग के हिंदुस्तान के अंदर, ये बात उसूली तौर पर गलत है,
बल्कि ये जो कुछ दावती काम होता रहा तो ये उनके अंडर में ही होता रहा है ना, और उन्होंने इसको सपोर्ट करते रहे। यानी जितने दिल्ली के सलातीन रहे, एक या दो को छोड़ के सबके सब जो है वो सूफिया के मुरीदैन में से रहे हैं, और उन्होंने उनकी दावती और तबलीगी मसाई को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है। दूसरी बड़ी वजह रही कि मंगोल का हमला, यानी मंगोल के हमले की वजह से ये हुआ कि पूरे इस्लामी दुनिया के जितने मुस्लिम मुफक्किरीन थे, दाई थे, सूफिया थे, उलमा थे, वो हिंदुस्तान के अंदर आ गए, और हिंदुस्तान में एक बड़ी तादाद में जो है एक साथ तैयार लोग जमा हो गए, और उन्होंने यहाँ पे तबलीग का बड़ा काम किया। फिर तीसरी वजह हम जो नजर आती है कि जो सूफी मेथोडोलॉजी थी, यानी बाकी जगह तो सूफिया नहीं गए थे बाकी दुनिया में, लेकिन वहां पर तो सिर्फ मुस्लिम वॉरियर्स गए थे और उनके किरदार से ही लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हिंदुस्तान में तो मुस्लिम वॉरियर्स आके 500 साल का अरसा गुजर गया था, लेकिन सिंध से आगे जो है वो उनके दावती काम जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके बाद सूफिया ने आके उस काम को आगे बढ़ाया। तो उसकी वजह क्या थी? तो सूफिया का जो मेथड था वो नॉन एग्रेसिव मेथड था। यानी उन्होंने कभी भी, यानी निजामुद्दीन औलिया का बड़ा अच्छा कॉल है कि हिंदू कौम जो है वो कभी भी दावत और तबलीग से इस्लाम में नहीं आएंगे, बल्कि उनको ऐसे उलमा और सूफिया की या ऐसे लोगों की सोबत दरकार है, अगर वो सोबत में रहेंगे तो उसके बाद वो इस्लाम को समझ पाएंगे। तो इन्होंने ये किया कि इनका जो मेन फोकस था वो चेंज ऑफ हार्ट्स था। यानी खानकाह में ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुसलमान आते थे, वहाँ हिंदू भी आते थे, वहाँ बुद्ध भी आते थे, सभी मजहब के लोग आते थे, और ये उनको वैसे ही जिक्र अस्कार की ट्रेनिंग देते थे जैसे कि मुसलमानों को देते थे। तो इस अप्रोच की वजह से जो है तो काफी बड़े पैमाने पर इस्लाम की तबलीग हुई। फिर जो सोशल सिचुएशन थी उसका भी एक रोल रहा। यानी हिंदू मजहब जो है वो तो है ही अपर कास्ट का, लोअर कास्ट को तो मजहबी किताबें सुनने की भी इजाजत नहीं है। उस जमाने में तो सख्त कवानीन थे, उनके कानों में शीशा पिघला हुआ शीशा पिघाल के डाल दिया जाता था। तो कई यानी लोअर कास्ट के लोग जो है तो उनको भी जब वो सूफिया के करीब आए और उनको मसावत का और मोहब्बत का जब एहसास हुआ तो उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। इसी तरह यानी आप देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज के जो अटैक है, ये आजकल जो खुद मुसलमानों के अंदर भी इस तरीके के तरीके पैदा हो गए कि सामने वाले रिलीजन पे बहुत ज्यादा अटैक किया जाए, तो सूफिया का कभी भी मेथड जो है अटैकिंग नहीं था, बल्कि उनका टॉलरेंस था और दूसरों को अपनाना, प्यार मोहब्बत, ये उनका तरीका रहा। फिर आप देखते हैं कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के उस जमाने में कन्फ्लिक्ट जो बहुत ज्यादा चल रहे थे, है ना। आज जो बुद्धिज्म की सूरत हाल है उस जमाने में वैसी नहीं थी, तो इस कन्फ्लिक्ट का एक लेवल का फायदा भी मुसलमानों को, जैसे हम सिंध में देखते हैं या उसके बाद बंगाल में देखते हैं, तो जितने बुद्ध थे उन्होंने बुद्ध मजहब के मानने वाले थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। फिर जिन इलाकों में कास्ट सिस्टम कमजोर था उन इलाकों में इस्लाम तेजी से फैला, जिन इलाकों में कास्ट सिस्टम मजबूत था वहां पर इस्लाम तेजी से नहीं फैल पाया। जैसे वेस्टर्न पंजाब, बंगाल, सिंध, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर था, क्योंकि एक हिंदू के लिए अपनी कास्ट को छोड़कर जाना, यानी वो जो क्लोज बाइंडिंग है, जो समाज एक मजबूती के साथ जकड़ा हुआ है, उसको छोड़कर इस्लाम कबूल करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क रहता था। उसके मुकाबले जहाँ कास्ट सिस्टम बहुत वीक है तो एक हिंदू आसानी से जो है दूसरे मजहब में कन्वर्ट हो सकता था। तो जहाँ कास्ट सिस्टम कमजोर था वहां पर भी जो है तो लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो ये वो वजूहात थी, 6-7 वजूहात जो अलग अलग यानी मैंने स्टडी के बाद जमा की थी वो आपके सामने रखा। उसके बाद यह है कि जिस तरह मिडिल ईस्ट में या दूसरे या अफ्रीका के ममालिक में इस्लाम फैला, वैसे हिंदुस्तान में क्यों नहीं फैल पाया, तो उस पर भी थोड़ा सा स्टडी की जरूरत है। पंजाब, बंगाल, सिंध, मुल्तान वगैरह में तो वो वैसे ही फैला जो उसका नेचुरल फ्लो है, यानी जिस तरीके से इस्लाम दुनिया में फैलता रहा है उसी तरीके से इन इलाकों में फैला। लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान यानी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, इसमें इस्लाम उस तरीके से नहीं फैला। तो उसकी क्या वजह रही? तो एक वजह तो उसकी ये नजर आती है कि कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत था, तो जहां जहां कास्ट सिस्टम की ग्रिप स्ट्रांग थी वहां पर इस्लाम तेजी से नहीं फैल पाया। क्योंकि आम एक तस्वीर यह है कि इस्लाम जो है सिर्फ लोअर कास्ट के लोगों ने एक्सेप्ट किए, अपर कास्ट के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए, ये एक गलत बात है। दोनों ने तकरीबन एक जैसे किए। अगर सिर्फ लोअर कास्ट के लोग एक्सेप्ट करते थे तो आज हिंदुस्तान में मुसलमानों की मेजोरिटी हो जाती थी। उसके बाद ये हुआ कि एक रीजन ये भी समझ में आता है कि जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह इस्लाम को बढ़ने से रोका जाए, तो ये मतलब उसको रोकने के काफी एफर्ट्स लिए गए। तो उसमें ये किया गया कि जो मुस्लिम्स थे उनका सोशल वायकट किया गया कि इनके साथ बहुत ज्यादा मेल मिलाप ना रखा जाए, यानी जिस तरह आज हिंदुस्तान में हो रहा है, तो ये ऐसा नहीं कि पहली मरतब हो रहा है, इससे पहले भी ये ऐसा होता रहा है। फिर बाद लोगों ने यह किया कि मिक्सचर ऑफ इस्लाम एंड हिंदू ट्रेडिशन जो है, जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि बुद्धिज्म के साथ हुआ, वैसे इस्लाम के साथ भी कोशिशें की गई कि जो भी इस्लाम के की फीचर्स थे वो लिए गए, उसका मिक्सर बनाया गया और कहा गया कि देखो ये सारी चीजें तो हमारे पास भी है। इसीलिए आप देखते हैं कि हिंदुइज्म में आपको हर मजहब का कुछ ना कुछ फीचर नजर आ जाएंगे, यानी उसमें तौहीद भी मिलेंगी, उसमें शिर्क भी मिलेगा, हर चीज जो है उसके अंदर मिल जाएंगी, क्योंकि वक्त के साथ बदलता रहता है।
तो ये भी एक रीजन था कि जिसके सबब जो इस्लाम नहीं फैल पाया हिंदुस्तान में उस तरह से जैसे कि दीगर ममालिक में वो फैलता रहा। तो ये पूरा जो सूफिया की कोशिश थे उसका हमने जायजा लिया। अब उस जमाने में जो सियासी तब्दीली हो रही थी उस पर भी हम थोड़ी गुफ्तगू कर लेंगे। तो उस जमाने में जो सबसे बड़ा रूलर रहा सिरपा मियां उस पर गुफ्तगू करेंगे और वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का जमाना 1296 से 1316 ये उसकी हुकूमत का जमाना रहा जब यानी वो 30 साल का था उस वक्त वो तख्त पर बैठा था। उससे पहला उसके जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी उसका कत्ल करके यानी बहुत बेरहमी से उसने कत्ल किया था और उसके बाद इस तरह उसने हुकूमत हासिल की थी। अलाउद्दीन की जो यानी पूरा उसकी बादशाहत रही या उसकी जो हुकूमत रही वो बहुत ज्यादा रिसर्च की और यानी एक पूरे दो से तीन लेक्चर उस पर चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक 15-20 मिनट में उसको समअप करने की कोशिश करूं। यानी अलाउद्दीन ने बनने के बाद जो है तो बहुत तेजी के साथ उसने फतवात हासिल की। आप देखिए कि गुजरात जो है उसने 1299 में और 1304 में मुकम्मल तौर से गुजरात उसके कब्जे में आ गया। रतनपुर 1301 के अंदर, चित्तौड़ 1303 के अंदर, मालवा 1305 के अंदर, सिवाना 1308 के अंदर और जालौर 1311 के अंदर, यानी इतने कम अरसे में उसने हिंदुस्तान के तकरीबन बड़े बड़े इलाके जो है वो फतेह कर लिए थे। उसकी जो विक्ट्रीज थी, उसकी फतुहात थी, उसकी वजह से कई जो हिंदू एम्पायर्स थे वो हिंदुस्तान के अंदर खत्म हो गए। उसके बाद उसकी फतुहात का जो दूसरा दौर था तो उसमें उसका जो स्लेव था मलिक काफूर उसने बहुत ज्यादा की रोल जो है वो प्ले किया। और यानी इससे पहले जो था दिल्ली बहुत ही नॉर्थ इंडिया में था लेकिन साउथ में उसका कोई रोल नहीं था, लेकिन मलिक काफूर ने जो है उसके लिए दक्कन और दूसरे इलाके भी जो फतेह किए। यानी देवगिरी 1308 में फतेह हुआ, वरंगल 1310 में, इसी तरह यानी काफी जो दूसरे छोटे छोटे एम्पायर थे उनको भी उसने खत्म कर दिया। जैसे पांडे एम्पायर था उसको 1311 के अंदर उसने खत्म कर दिया और बड़े पैमाने पर यानी हिंदुस्तान के तकरीबन हर इलाके के अंदर उनकी फौजें पहुंच गई थी। तो मलिक काफूर ने जो है जलाल अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर को बहुत बड़े पैमाने पर उसने एक्सपांड कर दिया। तो ये हुआ कि हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत के बाद से अब तक का सबसे बड़ा जो रूलर है या हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की तारीख है उसमें जो तीन सबसे बड़े रूलर जिनका हम नाम ले सकते हैं अकबर, औरंगजेब और उसके बाद अलाउद्दीन, बल्कि हो सकता है कि अकबर, अलाउद्दीन और औरंगजेब इस तरतीब में हम उसको रखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था तो हिंदुस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट रूलर जो है उसको माना जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारनामा यानी ये तो मैंने कुछ चीजें जो उसने हिंदुस्तान में की वो मुख्तसर में बता दिया, लेकिन हिंदुस्तान पर उसका जो सबसे बड़ा जो एहसान है वो उसने मंगोल को हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया। इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया था कि अल्तमश के और बलबन के जमाने ये हुआ था कि मंगोल बहुत ही कैलकुलेट कर रहे थे कि इंडिया में हम जा सकते या नहीं जा सकते। उसके बाद जब उनको महसूस हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड आदमी था तो उसके बाद जो है मंगोलों ने हिंदुस्तान में यानी दरिया सिंह को उबूर करना उन्होंने शुरू किया। लेकिन उस वक्त तक जो है अलाउद्दीन तख्त पर बैठ चुका था। आप देखिए कि मंगोलों से उसकी कई लड़ाइयां हुई, यानी मंगोलों ने जो पूरी दुनिया में दहशत मचा के रखी थी, पूरी इस्लामी दुनिया को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया था, तो उनको कोई रोक पाया तो वो अलाउद्दीन खिलजी उनको रोक पाया। यानी 1297-1297 में पहली जो जंग थी तो वो मंगोलों के साथ इनकी हुई, तो जिसमें चक्ताई खान उस वक्त जो है यानी चंगेज मर चुका था, चक्ताई खान उनका बादशाह था, तो उसने पंजाब पर हमला कर दिया और उसके बाद वो कसूर तक आ गया। लेकिन फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की फौजें जो है उनके दरमियान मुकाबला हुआ और 20,000 जो है मंगोल मारे गए। फिर उससे ज्यादा मंगोलों को 20,000 से ज्यादा उनको गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया और अलाउद्दीन ने जो है उनको सख्त सजाएं दी और दिल्ली में जो है उनको फांसी दी उनको बड़े पैमाने पर। 1298 के अंदर दूसरा जो है हमला मंगोल आर्मी ने किया और जफर खान ने जो है उनको शिकस्त दे दी। इस तरह किली का जो हमला था 1299 का ये काफी बड़ा हमला माना जाता है चक्ताई के जमाने में, तो उसने एक बड़ी फौज जो है कुतलक ख्वाजा को लेकर जो भेजी थी दिल्ली फतेह करने के लिए। अब इस जंग के अंदर जो है तो पर्सनली उस वक्त ऐसा लग रहा था कि दिल्ली जो है वो मंगोल उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, क्योंकि मंगोल दिल्ली तक जो पहुंचे थे तो उसके आसपास की आबादियां, उसके करीब के इलाके उनको पूरी तरीके से तबाह बर्बाद करते हुए यहां तक आए थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है खुद पर्सनली उस जंग में जो है वो लीड किया और मंगोलों को उसमें शिकस्त हुई। उसके बाद जो 1303 के अंदर मंगोलों ने दूसरा हमला किया और उसमें भी जब अलाउद्दीन जो है चित्तौड़ का इलाका फतेह करने के लिए गया था तो मंगोलों ने यह किया कि उसके पीछे जो है पूरा दिल्ली को उन्होंने घेर लिया। तो अलाउद्दीन फिर यानी तकरीबन विदाउट ए नोटिस वो 7 दिन के अंदर दिल्ली पहुंचा और उसके आने के बाद उसने जो वहां का किला था सीरी का किला उसमें वो पनागजीन हुआ और एक बड़ी जंग जो है चलती रही। लोगों ने उससे कहा कि तुम जो है गुफ्तगू करो और इस तरह टाइम पास करके वो करो, लेकिन उसने जो है जंग को प्रेफर किया और इसमें भी जो है मंगोलों की शिकस्त हुई।
तो हम देखते हैं कि मंगोलों के जितने हमले हुए उसमें बैटल ऑफ अमरोहा उसके बाद हुई, जिसमें अलाउद्दीन ने बहुत बड़ी 30,000 की उसकी फौज थी, उस फौज में भी मंगोलों को शिकस्त हुई। तो जितनी लड़ाइयां एक के बाद मंगोलों के साथ हुई, 1306 में जो है मंगोलों ने एक बड़ा हमला किया, यानी आखिरी हमला था जो मंगोलों की तरफ से हुआ, जो रावी दरिया के नजदीक जो हमला हुआ, और मलिक काफूर उस वक्त आ चुका था। तो मलिक काफूर ने बड़े पैमाने पर मंगोलों को कत्लेआम किया। यानी कहा जाता है कि जिस तरह मंगोलों का मामला था कि वो जंग के बाद कत्लेआम करते, तो फिर खिलजियों ने भी ये किया कि जब मंगोलों के साथ उनकी जहां जहां जंगे हुई, हिस्टोरियंस ने ये भी लिखा है कि उन्होंने मंगोलों के सरों के मीनार बनाए, उनके सरों से किले की दीवार जो है वो तामीर की, और हजारों जो है मंगोलों को उन्होंने फांसी दी। तो जिस तरह मंगोल दूसरी दुनिया में करते रहे, तो अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने भी मंगोलों के साथ तकरीबन वैसा ही मामला किया। बल्कि हम देखते हैं कि 1306 के बाद यह मामला हो गया था कि मंगोलों के जो इलाके थे उस पर फिर खिलजी की फौज अटैक करने लग गई, यानी बिल्कुल ही सूरत हाल उसके बरक्स हो गई थी। तो हिंदुस्तान का, यानी हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की यह सरजमीन पर अलाउद्दीन खिलजी का बड़ा एहसान है। अगर वो नहीं होता और इतना मजबूत बादशाह अगर नहीं होता, तो मंगोल जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया, हिंदुस्तान का भी वही हाल करते थे। तो ये दो सबसे बड़ा कारनामा अलाउद्दीन खिलजी का यह है कि उसने हिंदुस्तान को मंगोलों से बचाया। लेकिन यह हुआ कि जब मंगोलों के हमले होना शुरू हुए, तो और उसी जमाने में 3 बगावतें उसके खिलाफ हुई, तो फिर उसको लगा कि यार ये जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है इसको रिफॉर्म करना चाहिए, और उसने बाद रिफॉर्म जो है कंटिन्यूअस जो है रिफॉर्म करना शुरू किया। सबसे पहले उसने रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, यानी उससे पहले एग्रीकल्चर जो है उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता था, तो उसने एग्रीकल्चर पे कंट्रोल लगाया कि जो कुछ पैदा होगा, जो कुछ पैदावार होंगी उसमें गवर्नमेंट का भी शेयर होगा। जितने यानी 3 बगावतें उसके खिलाफ हो गई थी, तो उसने जब उसके नतायज देखे कि बगावतें क्यों हुआ, तो एक बगावत ये थी कि उस जमाने में राय या राउत जो हुआ करते थे, तो वो लोगों के पास बहुत पैसा होता था और इस तरह की बगावतों को सपोर्ट करते थे। तो उसने ये किया कि जितने लोग जिनके पास बड़े बड़े लैंड्स थे उनके लैंड्स उसने वापस लेना शुरू किए। इसी तरह जो मुसलमान उमरा थे जिनके पास बहुत ज्यादा जागीरें थी, वो भी बगावती किया करते थे, तो उसने ये किया कि उनके पास की जो जागीरें थी वो भी उसने वापस ले लिया। फिर उसने ये किया कि जो फर्टाइल लैंड थी, जो यानी उस जमाने में जो बड़े बड़े इलाके जो है उनको दिए जाते थे, वो इलाके उसने वापस ले लिए, वो गवर्नमेंट के अंदर में ले लिया। फिर उसने ये किया कि इससे पहले अल्तमाश या गौरी की पॉलिसी ये थी कि वो कभी भी इंडियन सोसाइटी के अंदर नहीं घुसे थे, उनका ये था कि सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे बाहर से, बाकी का जो था रूरल चीफ जो थे या स्टेट्स के या सूबे के जो गवर्नर्स रहते थे वो लोग खराज या टैक्स कलेक्ट करते थे और वो बादशाहों को देते थे। तो इसने ये जो इंटरमीडिएट बैरियर था इसको खत्म कर दिया, और इसने डायरेक्टली जो है जो किसान थे उनसे टैक्सेस लेना खुद शुरू किया। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया कि उसके बाद जो है किसानों पे ज्यादा टैक्स लगाया, बल्कि उनके टैक्सेस जो है उसने कम कर दिए। फिर उस जमाने में जो देहातों में पंचायत के जो सरपंच वगैरह हुआ करते थे या जो छोटे रूलर हुआ करते थे वो लोगों पे जुल्म करते थे, उन पर टैक्सेस लगाते थे, तो अलाउद्दीन ने वो सब जो है वो खत्म कर दिया। और उसने यानी ऐसा कहा कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, और उसने ये जो जुल्म अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट पे करते थे वो सारे जुल्म जो है उसने खत्म कर दिए। उसने एक ऐसा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जिसमें गवर्नमेंट के अकाउंटेंट्स, कैलकुलेटर, कलेक्टर्स और एजेंट्स थे जो बाजार के पूरे मार्केट का सर्वे करते थे और उसको रिपोर्ट देते थे। उसने सबसे बड़ा काम जो उसके जमाने में हुआ वो ये था कि प्राइस कंट्रोल, यानी चीजें इतनी ज्यादा सस्ती हो गई थी कि कोई भी यानी जिंदगी गुजारना सबसे ज्यादा आसान जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में था। यानी बहुत ज्यादा प्राइस कंट्रोल उसने किया था, और कोई भी दुकानदार या बिजनेसमैन या कोई भी ज्यादा प्राइस बढ़ाता तो उसको बहुत सख्त वो सजा देता था। अलाउद्दीन ने जो है हिंदुओं पे जिजिया और मुसलमानों पे टैक्स जो है उसने लगाया और वो सख्ती के साथ उसको वसूल किया करता था। उसकी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी जिसके बारे में अभी बता रहा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्राइस थी, यानी हुकूमत खुद तय करती थी कि चीजें किस भाव में बिका करेंगी, बल्कि जो चीजें बाहर से आती थी हिंदुस्तान के बाहर से तो वो भी उसकी चीजें भी गवर्नमेंट तय करती थी कि किस कीमत पर वो बेची जाएंगी। इस तरह ब्लैक मार्केटिंग के लिए उसने बहुत सख्त कानून बनाए, ब्लैक मार्केटिंग उसके जमाने में पॉसिबल ही नहीं थी। अनाज और जो बुनियादी अशिया थी जिंदगी गुजारने की वो बहुत ज्यादा सस्ती बेची जाती थी, तो ये इस तरह के रिफॉर्म जो है उसने मार्केट के लिए किए। इसी तरह मिलिट्री जो है मिलिट्री रिफॉर्म उसने बहुत ज्यादा किए, यानी सबसे बड़ी मिलिट्री शायद उसकी थी, तकरीबन 5,00,000 घोड़सवार उसके पास उस जमाने में थे। फिर एक चीज ये थी कि सोशल रिफॉर्म भी उसने कई किए थे, यानी जो बगावतें होती थी जब उसने उसकी वजूहत मालूम की तो लोगों ने कहा कि जब लोग शराब के नशे में होते हैं तो उस वक्त वो साजिशें ज्यादा करते हैं,
तो अलाउद्दीन के जमाने में शराब जो है उस पर पाबंदी थी, तो ये मजहबी रीजन से नहीं थी लेकिन ये पॉलिटिकल रीजन से थी। तो उसने शराब, गांजा, चरस, जितने भी नशे की चीजें थी वो सबके सब जो है उसने उस जमाने में बैन कर दिया। जुआ जो था वो उस पर उसने पाबंदी लगा दी। प्रोस्टिट्यूशन जो था वो उसने खत्म करा दिया, और जितने प्रोस्टिट्यूट थे उनकी सबकी उसने शादियां करवा दी। तो बहुत ज्यादा सोशल रिफॉर्म भी उसने किए हैं। तो इस तरह अलाउद्दीन की जो हुकूमत जब हम उसको देखते हैं तो वो एक बहुत ही हमको कंप्लीट पैकेज नजर आती। यानी एक तरफ वो मंगोल के हमले से हिंदुस्तान को बचा रहा है, दूसरी तरफ उसकी हुकूमत में मुस्तकिल जो है तौसी हो रही है, और तीसरी तरफ आवाम जो है वो बहुत ज्यादा खुश है। यानी चीजें सस्ते दामों पर मिल रही है, अमन है, सुकून है, उसके जो ऑफिसर्स है वो रिश्वत नहीं ले पा रहे हैं, है ना। यानी एक आइडियल गवर्नमेंट जो है उसने क्रिएट किया था। लेकिन अलाउद्दीन के दौर को जब हम देखते हैं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा निगेटिविटी पाई जाती है, खुद मुसलमानों में भी और हिंदुओं में भी। तो उसके बारे में कुछ चीजें समझने की जरूरत है। यानी पहली जो चीज सबसे पहले समझने की जरूरत है कि अलाउद्दीन एजुकेटेड आदमी नहीं था। उसने जो कुछ तजुर्बा हासिल किया वो तजुर्बे से किया। यानी जो कुछ उसने जिंदगी में सीखा वो एक्सपीरियंसेस से सीखा। यानी कोई किसी मदरसे से या किसी आलिम दीन से उसने कोई इल्म हासिल नहीं किया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा पैशनेट आदमी था और उसकी प्रायोरिटी हमेशा सल्तनत हुआ करती। दिल्ली की सल्तनत उसकी प्रायोरिटी थी। यानी आप देखिए कि उसका चचा जो थे वो उसके खुसर भी थे, और वो बहुत रहमदिल आदमी था जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन उसने जिस बेरहमी से उसको कत्ल किया तो उससे ये समझ में आता है कि उसको बादशाह बनने की कितना वो पैशनेट था। ये बात कही जाती है कि ही सप्रेस द, यानी हिंदू अपर कास्ट जो है, जो हिंदू उसको इतना नेगेटिव लेते हैं, उसका रीजन ये है कि कहा जाता है कि हिंदुस्तान में अपर कास्ट का जो जोर था जो उस जमाने में खत्म हुआ वो खिलजी की वजह से खत्म किया। उसने जितने जो सूबेदार थे, जो राय थे या राणा थे या ठाकुर थे, उनके पास जो है जितने प्रॉपर्टीज थी, दौलत थी, वो सब उसने छीन लिया था और उनकी मिलिट्री पावर जो है कम से कम कर दिया था। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि ये उसने रिलीजन की बुनियादों पर नहीं किया था, बल्कि वो किसी भी तरीके से अपनी गवर्नमेंट को सेफ करना चाहता था। यानी उस जमाने में मंगोल जिन्होंने नया नया इस्लाम कबूल किया था, तकरीबन 40-50 हज़ार की उनकी आबादी थी, तो उनको नौ मुस्लिम कहा जाता था। तो एक मरतबा ये हुआ कि बाज मंगोल कबायल उसके खिलाफ बगावत में शामिल थे, है ना, कुछ लोग शामिल थे, लेकिन उसने ये किया कि उसने हुक्म दिया कि हिंदुस्तान में जितने नौ मुस्लिम हैं मंगोल उनको सबको कत्ल कर दिया जाए। यानी बहुत ही सबसे बैलेंस उसमें खलीक अहमद निजामी ने लिखा कि कम से कम 30,000 लोग जो है, यानी बाद में 1,00,000-2,00,000 लिख दिए, लेकिन जो सबसे कम से कम फिगर भी हम मानेंगे तो तकरीबन 30,000 नौ मुस्लिम मंगोल जो है उसकी फौज के हाथों कत्ल हुए, है ना। हालांकि उन सबका कोई कसूर नहीं था। तो ये था कि वो अपनी हुकूमत को स्टेबल करने के लिए किसी भी सतह तक जा सकता था। फिर पिछले दिनों पद्मावत फिल्म आई थी जिसमें उसका बहुत ज्यादा नेगेटिव रोल बनाया गया। हालांकि हिस्ट्री में इस कहानी का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में ये है कि चीजें परसेप्शन से चलती है, और पब्लिक फोरम में एक चीज आ गई तो उसके बाद ये परसेप्शन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही, यानी वुमनाइजर था, शराबी था, बहुत वैशी था जिसको खाने का सलीका नहीं, और बहुत ही उसका एक नेगेटिव इमेज जो है बनाया गया। लेकिन आप देखेंगे कि हिस्ट्री में कहीं से कहीं तक इस स्टोरी, ये स्टोरी हमको कहीं से कहीं तक नजर नहीं आती है। यानी अलग अलग जो लोगों ने लिखा है तो इसने चित्तौड़ जो फतेह किया था वो 1303 के अंदर फतेह किया था। यानी राजा रतन सिंह जो था वो खुद उसने सबमिट कर दिया था जंग होने से पहले, और इसने राजा की जो पूरी फैमिली थी उसको माफ कर दिया था। लेकिन उसके वो जो गांव के अलग अलग जो हेडमैन थे जिन्होंने बगावत की थी, इसने सबको उनका कत्लेआम कर दिया था। तो ये स्टोरी सबसे पहले मलिक मोहम्मद जैसी ने जो है वो 1540 में, यानी तकरीबन उसके 300 साल बाद पहली मरतबा ये स्टोरी लिखी गई, और ये एक रोमांटिक स्टोरी थी जिसको लिखा गया और उसको फेमस किया गया। हालांकि इसका रियल में ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं था। खलीक अहमद निजामी ने जो उसके बारे में लिखा है वो मैं यहाँ कोट करता हूँ। तो उन्होंने लिखा है, वो मौरिक जो कदीम माखज का मुताला करते हैं उसे पद्मनी के किस्से का 1311 में आगाज का कोई जिक्र नहीं मिलता। खुसरो, बरनी, असामी और तमाम नजदीकी हामिसर मुसन्निफीन उसके मुतालिक खामोश है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब्जा किया और जल्दी दौली लौट गया। उसने रतन सेन को माफ कर दिया, और ये समझने के लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है कि उसने राय की बीवियों या औरतों के मुतालिक सोचने की जहमत भी की होंगी। लेकिन 1540 में चित्तौड़ की फतेह के 237 सालों बाद मलिक मोहम्मद जायस ने एक हिंदी नजम पद्मावत लिखी जिसने बजाय तौर पर क्लासिक हिंदी अदब में एक मुमताज मकाम हासिल कर लिया था। यानी इससे बात साबित होती है कि ये 237 साल के बाद ये स्टोरी पहली मरतबा लिखी गई, तो इसमें कोई हकीकी पहलू उसका नहीं है। अब देखिए, ये तो हिंदुओं की कंप्लेंस थी कि उसने हिंदुओं पे बहुत ज्यादा जुल्म किया, उनका इक्तदार खत्म किया, उनकी औरतों को उठाया और शादियां की वगैरह वगैरह, जिसकी कोई हकीकत नहीं थी। लेकिन उसके जमाने के जो मुस्लिम उलमा थे वो भी अलाउद्दीन से नाराज थे। यानी उनका ये मानना था कि अलाउद्दीन या हिंदुओं का कत्लेआम करने के बजाय उनको जजिया देकर और उनको साथ में रखकर जो है तो उनकी हौसला अफजाई कर रहा।
तो उसको ये चाहिए कि वो यहाँ पर हिंदुओं का कत्लेआम करके इस हिंदुस्तान को बुतप्रस्ती से पाक कर दे। यानी बर्नी ने जो कोट किया है, मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, कुफार को उखाड़ फेंकने की ख्वाहिश हिंदुस्तान के हुक्मरानों के दिलों में मौजूदा नहीं है, बरखिलाफ इसके इस बात का लिहाज रखते हुए कि कुफार और मुशरिकीन खराज के अदा करने वाले और जम्मी हैं, उन कुफार की इज्जत अफजाई होती है, उन्हें इम्तियाजात दिए जाते हैं, ख्याल किया जाता है और बुलंदी अता की जाती है, बादशाह उन्हें नकारा, इल्म, जेवरात, जरबख्त के लिबादे और आरास्ता घोड़े देते हैं, उन्हें गवर्नरी और देकर आला उहदों पर बहाल करते हैं और उनके दारुसल्तनत दिल्ली में, जिसकी बुलंद दर्जगी की वजह से तमाम देकर मुस्लिम शहरों के दर्जे भी बुलंद हो गए हैं, मुस्लिम बादशाह ना सिर्फ उसकी इजाजत देते हैं बल्कि उसे खुश होते हैं कि कुफार मुशरिक और बुतप्रस्त और गोबर पूजने वाले महल नामका बनवाते हैं, जरबाफ्त के कपड़े पहनते हैं और सोने और चांदी के सामानों से आरास्ता अरबी घोड़ों पर सवार होते हैं, उनके पास हजारों तरह के वसायल है, वो आराम और खुशी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, वो मुसलमानों को अपनी मुलाजिमत में रखते हैं और उनको अपने घोड़ों के आगे दौड़ाते हैं, मुसलमान उनके दरवाजे पर उनसे भीख मांगते हैं और इस्लाम के दारुसल्तनत में, जिसकी वजह से इस्लाम की इमारत सरबुलंद है, उन्हें राय, हुक्मरान और दूसरे जो अलग अलग अलकाबात है उनसे याद किया जाता है। तो एक तरफ तो यह है कि हिंदू जो अलाउद्दीन से नाराज है कि उसने हमारे साथ जुल्म किया, दूसरी तरफ मुसलमान ये कह रहे हैं कि उसने हिंदुओं को बहुत ज्यादा जो है टॉलरेट किया और अपने गवर्नमेंट के अंदर उनको की पोस्ट उसने दिए हैं। तो अलाउद्दीन की शख्सियत क्या थी, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो खलीकावन निजामी ने बहुत अच्छा तबसरा, यानी मोहम्मद हबीब और खलीकावन निजामी ने मिलकर जो किताब लिखी है जामे तारीख हिंद, उसमें बहुत अच्छा तबसरा उन्होंने किया है। तो कोई आदमी अगर वाकई खिलजी का दौर हुकूमत कैसा था उसको समझना चाहता है तो वो किताब उसमें काफी माविन साबित होंगी। तो वो कहते हैं कि अलाउद्दीन ने तजुर्बे और सिर्फ तजुर्बे से तालीम हासिल की थी, वो मुल्लाओं की तमाम मनकुला नजरियात को मुहमिल समझ कर नजरअंदाज कर देता है, इसलिए वो अपने इकतदार की हदूद और पाबंदियों से वाकिफ था, वो एक गैर मुस्लिम मुल्क का मुस्लिम हुक्मरान था और वो जानता था कि सिर्फ उन्हीं उसूलों के बिना पर हुकूमत कर सकता है जो हिंदू आवाम को भी काबिल कबूल हो। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान उसके नुक्ता नजर से असल फर्क ये था कि अव्वल जिक्र यानी मुसलमान हिंदू मोरसी हुकूमत को मानते थे, जबकि पढ़े लिखे मुसलमान जिनमें जात पात का निजाम नामालूम था एक ऐसी सियासी हुकूमत चाहते थे जिसमें तरक्की की राय अहलियत की बुनियाद पर खुलती हो। या हिंदू ये चाहते थे कि जो हुकूमत बने वो ये हो कि बाप के बाद बेटा यानी बादशाह हो और दूसरे के उसमें जात पात का निजाम, जबकि मुसलमान जो है उस जमाने में मोरसियत के कायल नहीं थे, यानी इससे पहले भी हमने दिल्ली में देखा कि जो भी अहल आदमी था वो बन रहा था, तो मुसलमान चाहते थे कि अहलियत की बुनियाद पर चीजें तय हो। तो वो आगे कहता है, अगर वो खुद राय को माजूल किया जाता तो इसी तरह का सलूक अदायगी खराज इन दूसरे सदर रावतों से किया जाता जो उसके मातहत थे, राय मातहत इलाकों में रहने वाले आम हिंदुओं की जिंदगी में मदाखलत ना की गई, दिल्ली मुमलकत के बड़े शहरों की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां वाकई हुई लेकिन रायों के जहर हुकूमत इलाकों में रस्म रिवाज और हक मोरिसत मुकम्मल तौर पे जारी रहा। यानी उसने ये हुआ कि हिंदू जो वे ऑफ लाइफ था उसके अंदर ज्यादा इंटरफेयर उसने नहीं किया। तो आखिर में मैं खलीकावन निजामी को ही कोट करके ये डिस्कशन इंशाल्लाह खत्म करता हूँ। तो कहते हैं कि हम जब साल ब साल उस जिंदगी का मुताला करते हैं तो हम उसे मुतमहिल, मोहताज, चुजा, सख्त दिल और मनसूबाबंदी और इंतजामी सलाहियतों का हामिल पाते हैं। नए और गैर मुतवक्के हालात से इमरत आजमा होकर उसने वाकई नया सूरत से वो सलाहियत हासिल कर ली जो इंसानों पर हुकूमत करने के लिए दरकार होती है और अपने दिलो दिमाग और कुव्वत इरादी को तकवीत पहचाने के लिए वो खुदा पर यकीन मोहकम रखता था और उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसके तमाम अमल बख्श दिए जाएंगे क्योंकि उसका हकीकी नज़्मुल-ऐन बंदगाने खुदा की खिदमत करना था। यानी ये खलीकावन निजामी कहते हैं कि उसका यह मानना था कि वो जो कुछ कर रहा है वो लोगों की खिदमत करने के लिए कर रहा है। उसका इंतकाल 50 साल की उम्र में हुआ, नमाज बाजामा अदा करने नहीं जाता था। वाहिद हम असर शख्सियत जिनके तकद्दस पर उसको यकीन था वो शेख निजामुद्दीन औलिया थे, लेकिन दुनियावी जाओ मंजिलत वालों से मिलना शेख के उसूल के खिलाफ था। चनानचा अलाउद्दीन ने कभी जाती मामला की कोशिश ना की क्योंकि शेख उसे रद्द कर देते थे। वो इस बात पर जोर देता था कि वो एक मुसलमान और एक पैदाइशी मुसलमान है, इस तरह मुसलमानों के तरीके जिंदगी उनके रवायत अकीदे से वाकिफ था, लेकिन जहां तक मुस्लिम उलमा का ताल्लुक था उसने अपने सदर सुदूर को इस बात की इजाजत दे रही थी कि वो इन इबादत गुजारों की फौज को कंट्रोल करे, उनका इंतजाम वो इंसलाम करे और उन्हें वजायफ और जागीरें बहम पहुंचाए। वो उन लोगों में उनके मुखालिफिन मुस्लिम मुफक्किरीन में किसी तरह की कोई दिलचस्पी ना लिया। तो ये यानी उसका मामला ये था कि वो उलमा के मामले में उसकी राय ये थी कि वो लोग जो है यानी दीन के मामला को संभालते रहे, उसके बिलमुकाबिल जो है सियासत के मामला अलग होते हैं और वो खुद उसको हैंडल करना चाहता था। तो ये जो पूरा आज का हमारा सेशन रहा जिस दौर को हमने कवर किया उसमें अगर हम देखें, यानी एक तरफ तो शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये लोग थे कि जिन्होंने हिंदुस्तान के लाखों अवाम की जो है उनकी तरबियत तस्किया करके उनको गुनाहों से तोबा करके एक पाकबा जिंदगी गुजारने की तरफ जो है यानी तोबा के बाद पाकबा जिंदगी गुजार रहे थे।
दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी था कि जिसने समाज में बहुत ज्यादा अमन अमन कायम कर दिया था, महंगाई बिल्कुल कम हो गई थी, चीजें सस्ती हो गई थी, और ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन, जुल्म, ये सारी चीजें उसने खत्म कर दी थी। जो जात पात के निजाम के तहत जो जुल्म देहातों के हिंदुओं पे होते थे वो उसने खत्म कर दिया था। तो बाद हिस्टोरियन ने लिखा कि हिंदुस्तान की तारीख में ये हिंदुस्तानी अवाम के प्रोस्पेक्टिव से ये आइडियल सिचुएशन थी। यानी बादशाह जो था वो बहुत, उसने एक वेलफेयर स्टेट का कायम किया था, उसके बिलमुकाबिल हिंदुस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा मुकद्दस लोग जो है उसी दौर में पैदा हुए, और उन्होंने बंदगाने खुदा को बड़े पैमाने पर जो है वो इस्लाम से जोड़ दिया। तो ये बात कही जा सकती है कि हिंदुस्तान की तारीख में यानी मजमूई तौर पर ये काफी आइडियल दौर या आइडियल पीरियड इसको कहा जा सकता है। तो ये आज के सेशन में कुछ चीजें थी जो आप लोगों के सामने रखी थी।